आज की वीडियो में बात करने वाले मिस्टर ओलंपिया 13 डेज आउट अपडेट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें अपडेट देने को मिल रही। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले अगर ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट पाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर ले। सबसे पहले जो कि हमें अपडेट देखने को मिल रही है सैमसंग द्वारा, जो कि आप पैक अपडेट देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ओवरऑल साइज़ बहुत ज़्यादा जो कि इम्प्रूव हो रहा है सैमसंग द्वारा का। और क्या लगता है कि जो कि इस साल टॉप 5 क्वालिफाइड कर पाएंगे सैमसंग द्वारा? उम्मीद तो रखते हैं हम, बाकी देखते हैं कि इस साल जो कि हमें कैसा पैकेज परफॉर्म करते हैं सैमसंग द्वारा। और अगर हम बात करें इनकी बैक शोल्डर के दुकान, इनका जो कि बैक शोल्डर बहुत ज़्यादा जो कि इम्प्रूव हमें देखने को मिल रहा है, उम्मीद तो रख रहे हैं बेस्ट से बेस्ट। और उसके बाद हम बात कर ले हादी चौबन की दुकान, हादी चौबन की तरफ से जो कि हम रिसेंटली अपडेट में देख रहे होंगी, जिसमें कि वो लैग वर्कआउट कर रहे हैं ऑलवेज, बहुत जो कि अमेजिंग इनकी लैग हो चुकी है। बाकी तो ये कोई हमें फिजिक्स अपडेट शेयर नहीं करे हैं, बट फिर भी हम जो कि एक तरीके से सोच सकते हैं कि जो कि हमें बेस्ट से बेस्ट पैकेज परफॉर्म करेंगे इस साल मिस्टर ओलंपिया में हार्दिक चौपन, और मेरी तरफ से जो कि इनको ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर ले कैलिस ग्लेफिन की, तो गाइस उनकी जो कि आप रिसेंटली अपडेट में देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ओवरऑल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा जो कि अमेजिंग हमें देखने को मिल रही है। और आप उनकी जो कि लैग में फोकस करिए तो गाइस उनकी जो कि लैग बहुत ही अमेजिंग हमें देखने को लग रही है। क्या लगता है कि इस साल जो कि टॉप 5 ये भी क्वालिफाइड कर पाएंगे कैलिस ग्लेफिन? और उसके बाद हम बात कर ले ब्रैंडन करी की, तो गाइस आप ब्रैंडन करी की जो कि रिसेंटली अपडेट में देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ओवरऑल साइज बहुत ही ज़्यादा जो कि हमें इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। और क्या लगता है कि इस साल जो कि टॉप 1 क्वालिफाइड कर पाएंगे ब्रैंडन करी, बिक्रैमी को बीट कर पाएंगे? बाकी तो अभी ये कोई हमें फुल फिजिक्स अपडेट दिए नहीं है, ब्रैंडन करी और बिक्रैमी भी हमें जो कि फुल फिजिक्स अपडेट दिए नहीं है। अब देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया में ये दोनों एथलीट कैसे जो कि परफॉर्म करते, और मेरी तरफ से जो कि ब्रैंडन करी को ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर ले हंटर लबनाडा का, तो गाइस आप जो कि रिसेंटली अपडेट में देख पा रहे हो गाइस की इनके जो कि साइड टाइसअप पोस्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ओवरऑल फिजिक जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव हमें देखने को मिल रही है हंटर लबनाडा की। और क्या लगता है कि जो कि साल जो कि हमें बेस्ट से बेस्ट पैकेज परफॉर्म करेंगे, कि इनको जो कि 2-3 साल और लगेगा अपना बेस्ट पैकेज जो कि परफॉर्म करने के लिए? उम्मीद तो हम बेस्ट रख रहे हैं, अब देखते हैं कि इस साल हमें कैसा पैकेज परफॉर्म करे। और मेरी तरफ से जो कि हंटर लबनाडा को ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर ले विक्टर लेमा की, तो आप उनकी जो कि रिसेंटली अपडेट में देख पाएंगे, जिसमें कि ओवरऑल अमेजिंग फिजिक्स इनकी जो कि हो चुकी है। और क्या लगता है इस साल जो कि हमें कैसा पैकेज परफॉर्म करते हैं? बाकी तो हमें लग रहा है कि 2-1-2 कैटेगरी में कम्पीट करेंगे, और ये हमें क्योंकि कंफर्म नहीं है, अब देखते हैं कि इस साल जो कि ओपन बॉडी बिल्डिंग में हमें देखने को मिल रहा है या फिर 2-1-2 कैटेगरी में। और ओवरऑल फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा जो कि इनकी इम्प्रूव है, और इस साल जो कि हम बेस्ट से बेस्ट पैकेज देंगे, और मेरी तरफ से जो कि इनको ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर ले एंटलैन वैलियंट की, और आप इनकी जो कि रिसेंटली अपडेट में देख पा रहे होंगे इनकी जो कि ओवरऑल कंडीशनिंग बहुत ही जो कि अमेजिंग हो चुकी है। और ये अभी जो कि 13 दिन आउट अपडेट है, और 13 दिन अभी और बाकी है, और अपनी जो कि फिजिक्स हुई है और भी ज़्यादा जो कि इम्प्रूव करेंगे। अगर हम बात करें इनकी जो कि एप्स की, तो गाइस एप्स कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया है, शोल्डर में राउटनेस है, मतलब फिजिक्स बहुत ही अमेजिंग हमें देखने को मिल रही है। और देखते हैं कि इस साल जो कि ये कैसा पैकेज परफॉर्म करेंगे, उम्मीद है कि ये टॉप 7 तक जो कि क्वालिफाइड कर पाए, बट अब देखते हैं कि इस साल जो कि हमें कैसा पैकेज देते, और मेरी तरफ से जो कि इनको ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर ले ब्रैंडन हैंडरसन के, तो गाइस आप जो कि रिसेंटली अपडेट में देख पा रहे हो गाइस ओवरऑल फिजिक्स बहुत ही जो कि अमेजिंग होती जा रही है इनकी, एप्स कंडीशनिंग बहुत ही अमेजिंग है, अब देखते हैं कि इस साल जो कि हमें कैसा पैकेज परफॉर्म करते हैं। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है इनकी तरफ से तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। और उसके बाद हम बात कर ले हमारे इंडियन एथलीट भुवन चौहान की, तो गाइस उनकी जो कि रिसेंटली अपडेट में आप देख पा रहे होंगे जिनकी जो कि फिजिक्स ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा जो कि कंडीशनिंग हमें देखने को मिल रही है, मतलब फिजिक्स तो इम्प्रूव हो ही रही है, कंडीशनिंग भी इम्प्रूव हो रही है इनकी जो कि, अब देखते हैं कि इस साल जो कि कैसा पैकेज परफॉर्म करते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस साल का जो कि हमें बेस्ट से बेस्ट जो कि पैकेज देंगे भुवन चौहान, और मेरी तरफ से जो कि भुवन चौहान को ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर ले इमरान खान की, तो गाइस उनकी जो कि आप फुल फिजिक्स अपडेट देख रहे होंगे, जिसमें कि ओवरऑल साइज इम्प्रूव कर दिए हैं इमरान खान। और क्या लगता है इस साल जो कि ये टॉप 5 क्वालिफाइड कर पाएंगे, और इंडिया का जो कि दबदबा अदर कंट्री के जो कि बॉडी बिल्डर को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद हम बात कर ले मसल मिनियन, जो कि कॉम्पिटिशन कल होने वाला है, उनकी जो कि अपडेट हमें लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात कर ले उबैद खान की, तो गाइस आप उबैद खान की जो कि ये अपडेट देख रहे होंगे, जिसमें कि ओवरऑल कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मसल मिनिया एक नेचुरल फिटनेस होता है, जिसमें कि नेचुरल बंडे ही खेल सकते हैं। अगर हम इनकी जो कि ओवरऑल फिजिक्स की बात करें, तो गाइस पिछले साल जो कि इनको सेकंड प्लेस मिली थी, और इस साल मुझे लग रहा है कि फर्स्ट प्लेस जाएगी, क्योंकि इनकी जो कि फिजिक्स धीरे धीरे जो कि इम्प्रूव हो रही है। और अब देखते हैं कि उबैद खान हमें कैसा पैकेज देते हैं। उसके बाद हम बात कर ले यस आनंद की, तो गाइस आप देख सकते हैं यस आनंद की जो अपडेट, ये 1 डेज आउट अपडेट है, और कल के दिन जो कि होगा मसल मीनिया कॉम्पिटिशन। और अगर हम बात करें इनकी ओवरऑल फिजिक्स, तो गाइस इनकी जो कि ओवरऑल फिजिक्स बहुत ही जो कि अमेजिंग हमें देखने को लग रही है, ये नेचुरल जो कि फिजिक्स है। और क्या लगता है कि इस साल जो कि यस आनंद भी फर्स्ट क्वालिफाइड कर पाएंगे मसल मीनिया? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
लास्ट अपडेट जो कि हमें देखने को मिल रही है तरुण गिल की तरफ से, और ये तरुण की जो कि वन डे आउट अपडेट है, और आप देख रहे होंगे कि ये तरुण गिल हमें फिर से जो कि चूतिया बना रहे हैं। और क्या लगता है कि इस साल जो कि तरुण गिल कोई कॉम्पिटिशन कम्प्लीट कर रहे हैं कि हमें जो कि फिर से जो कि धुर बना रहे हैं? अगर हम बात कर ले कल की, तो कल मसलमीनिया होने वाला है। अब देखते हैं कि ये मसलमीनिया में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। और गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।